हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल IITN एकेडमी। और आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जो कि IIT JEE 2015। ठीक है, दी कोफिशियंट ऑफ एक्स माइनस पाई बाई फोर की पावर 3 इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स कोस एक्स प्लस पाई बाई फोर। ठीक है, अबाउट द पॉइंट पाई बाई फोर, करेक्ट द 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो हमने प्रीवियस जो वो एक वीडियो बनाया था जो कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन के ऊपर था, जो कि 2014 के लिए था। ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैंने टेलर सीरीज एक्सपेंशन के ऊपर डिस्कस किया था, और वहाँ मैंने एक जो था स्टेटमेंट वो भी किसी बुक से लिया था। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या था कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो अबाउट एक्स इक्वल टू ए मतलब हमारे लिए किसके अबाउट लेना है, हमें पाई बाई फोर के अबाउट लेना है। ठीक है, और एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, फिर एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए डॉट 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 एक्स माइनस ए की पावर एन एफ डैश ए एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमें टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकालना है और कोफिशियंट बताना है। किसका कोफिशियंट है, एक्स माइनस पाई बाई फोर की क्यूब का। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक्स माइनस ए की जगह क्या होगा अपने लिए, पाई बाई फोर होगा, ए रिप्लेस पाई बाई फोर। ठीक है, तो ए रिप्लेस पाई बाई फोर, तो एक्स माइनस पाई बाई फोर को क्यूब, तो ये दे रखा है एक्स माइनस पाई बाई फोर की क्यूब। तो हमें कोफिशियंट बताना है, और हमारे लिए जो कोफिशियंट होगा वो क्या होने वाला है, कोफिशियंट कोफिशियंट होगा एफ ट्रिपल डैश ए डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट हमें जो कोफिशियंट है वो इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये जो कोफिशियंट है मान लीजिए A3 नाम है। ठीक है, A3 या A2 कुछ भी है ना, तो A3 है। तो हमें करना क्या है, जो हमें फंक्शन गिवन है उसका 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, और उसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, उसके बाद जो वैल्यू होगी वो यहाँ लिखनी है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे लिए जो एफ एक्स है वो है 3 साइन एक्स कोस एक्स प्लस पाई बाई फोर। तो जैसे कि हमें पता है 2 साइन ए कोस बी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास हो गया 3/2। ठीक है, और मैं एक बार आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। जो फॉर्मूला है हमारे लिए 2 साइन सी साइन डी क्या होता है, साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज में लेंगे यहाँ। तो हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3/2 एंड 2 साइन सी साइन डी क्या होगा, साइन सी प्लस डी का, सी का मतलब क्या है एक्स प्लस एक्स प्लस पाई बाई फोर एंड प्लस साइन एंड एक्स माइनस पाई बाई फोर। तो यहाँ से क्या हुआ, 3/2 एंड साइन 2x प्लस पाई बाई फोर प्लस साइन माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, ये आने के बाद हमने क्या किया, और आपको पता है साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको पता है साइन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रखता हूँ 1/√2। तो 1/√2 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है, हमने इसको सोल्व कर लिया अच्छे प्रकार से, और अब इसको करना है हमें 3 बार डिफरेंशिएट। ठीक है, तो फर्स्ट बार अगर मैं करूँगा तो क्या होगा, एफ डैश एक्स जो होगा वो होगा 3/2 और साइन का होगा कोस 2x प्लस पाई बाई फोर, और फिर करूँगा 2 का, तो 2 का हो जाएगा 2, 2x का हो जाएगा 2। ठीक है, और इसका हो जाएगा 0। तो हमारे पास आ गया, हमारे पास आया 3/2 एंड 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, 3 कोस 2x प्लस पाई बाई फोर। ठीक है, और अब करूँगा मैं एफ डबल डैश एक्स का, एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, 3 लिख दिया। ठीक है, और कोस एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स,
तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 2x प्लस 5y4, और 2x का क्या होता है 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, माइनस 6 साइन 2x प्लस 5y4, ठीक है। और इसके बाद में हम करेंगे f ट्रिपल डैश का, तो यहाँ से क्या होगा, एक बार मतलब -6 और साइन एक्स का कोस 2x प्लस 5y4 एंड 2x का हो जाएगा 2, तो क्या हुआ टोटल, -12 कोस 2x प्लस 5y4, ठीक है। और ये रखने के बाद हमें करना क्या था, हमें बता रखा है कि a को 5y4 से रिप्लेस करना है, तो x की जगह क्या करूँगा, 5y4 करूँगा, तो -12 कोस इसकी जगह करूँगा 2 × 5y4, ठीक है। और यहाँ है 5y4, तो ये इससे कैंसिल होने के बाद ये बचेगा 5y2, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, 5y2, और 5y2 लिखने के बाद आपको पता है कि कोस 5y2 प्लस 5y2 के कोस कोस का जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर जाएगा ये, ठीक है। तो -12, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो माइनस होता है, तो माइनस साइन 5y4, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, प्लस और 12 साइन 5y4 की वैल्यू 1/√2, ठीक, 1/√2, और यहाँ से करेंगे इसको कैंसिल, तो क्या हुआ, 12/√2। और स्टूडेंट एक हमें डिवाइड भी करना है किसी से, हाँ 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो ये हुआ √2, ये हुआ 6, तो यहाँ से इसको करूँगा कैंसिल, तो ये आएगा 2, तो क्या हुआ हमारे पास, 2/, ये √2 है, ठीक है। तो 2/√2, या फिर ऊपर क्या आएगा, इससे इसको कैंसिल करूँगा तो आएगा √2, या फिर 1.414, ठीक है, 1.414, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका हमारे लिए होगा 1.414, इसका करेक्ट आंसर है। और थैंक यू, बाय बाय।